बहुत सारे भारतीयों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि यूके में एक प्राइम मिनिस्टर आता है, दूसरा जाता है, यूके में आए नए दिन नए रूल्स बनते हैं और यूके में इलेक्शंस इतना ज़्यादा आ गए, कौन से 7 रूल है जो यूके चेंज करेगा जिसका इंपैक्ट पड़ेगा जो बच्चे यूके में ऑलरेडी हैं या जो लोग आगे यूके का स्टूडेंट टूरिस्ट और वर्क वीज़ा लेकर आना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपने स्किप नहीं करना, आज हम डिस्कस करेंगे यूके वी आई की 7 बड़े चेंजेस जो 2023 के लास्ट में या 2024 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी ह्यूज डिमांड पर, और आपने खुद देखा है कि गैरी सर खुद यूके साउथ हॉल बैठे हुए हैं और बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे 7 क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर दूंगा एक एक करके, जो कि यूके वी आई के नए 7 प्रपोजल हैं जो आप पर इम्पैक्ट करेंगे, चाहे आप 2020 में आए हो चाहे आप 2024-25 में आओगे। वो कौन से ऐसे रूल्स हैं वो विल डिस्कस वन बाय वन। पर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके में 19 साल से रह रहा और गरीब बच्चों को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए अपने खुद का पैसा लगाकर देशों में जाता और देखता हूं कैसे गरीब माँ के बेटा बेटी किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। जो भी आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करे, जैसे साइट पर दिखाया जा रहा है सरदार जी तंजानिया अफ्रीका जा रहे हैं, आपकी फ्री टिकट फ्री होटल में न्यूजीलैंड में आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, जो सबसे पहला प्रपोजल ये है जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर है, जो कि बच्चे नहीं जानते, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वो होता है जो स्टूडेंट्स को मिलता है जब वो डिग्री कंप्लीट करें यूके में मास्टर पीएचडी के बाद, सॉरी मास्टर्स और बैचलर के बाद मिलता है 2 साल का, अगर पीएचडी करते 3 साल का। 2023 में अभी ये चल रहा है, पर कहा जा रहा है कि 2023 के लास्ट में 2024 से इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 2 साल से 6 मंथ का, मतलब कि जो बच्चे और उनके हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड को एक तरह से ओपन वर्क पर मिल जाता है जब उसकी वाइफ यूके स्टडी करने आती है इन 2 सालों में और वो दबा कर काम करके यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कैनेडा अब जा सकते हैं। पर अब यूके ने अनाउंसमेंट किया है यहाँ की जो होम सेक्रेटरी वो उसको रिड्यूस करना चाहती हैं 2 साल से 6 मंथ और मेरे ख्याल से जनवरी 2024 में इंप्लीमेंट हो सकता है, पर अभी ये कहीं पर नहीं लिखा है। पर अगर आप यूके में ऑलरेडी हो तो आप पर ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज आपको बताएगा कि आपको 2 साल का पीएसएलजी मिलेगा अगर आपने स्टडी कंप्लीट की एज पर योर कैश। इसके अलावा एक और बहुत ही गुड न्यूज है गाइस, कई भी वीडियो दिल को छू रहा है, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, जितने लाइक करोगे ऐसे में न्यूज आप ले। यूथ मिलिट्री वीजा फिर आने जा रहा है और इस बार आ रहा है वो 18 जुलाई 2023 में, ये डेट को फाइनल कर लीजिए। यूथ मिलिट्री वीजा वो वीजा होता है जहां पर साइट दिखाया जा रहा है लाखों लड़कों ने, पिज्जा मेकर ने और इवन की कंस्ट्रक्शन लेबर ने, शटलर ने दुबई से वीजा ले थे 2 साल का दबाकर यूथ मिलिट्री वीजा, और आज वो यूके आ रहे हैं। बिकॉज इस वीजा की खासियत ये है कि इसके लिए आपको ना कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना को इंग्लिश टेस्ट चाहिए, ना को एक्सपीरियंस चाहिए, ये एक लॉटरी है जो इंडिया और यूके के बीच में हुई है और जिसका अगला कोटा 18 जुलाई 2023 को आ जाएगा। मेरे आईडिया में अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। इसके लिए आपको एक फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, वो फॉर्म भरने के बाद विद इन 2 डेज आपको ईमेल आती है कि आपका लॉटरी में नाम एक्सेप्ट हो गया, जिसको बोलते हैं इन्विटेशन लेटर। उसके अलावा आपको टीवी टेस्ट लगाना होता है, आपका पासपोर्ट और आपकी 18 से 30 साल, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाना होता है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई जॉब ऑफर नहीं, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं, और इस वीज़ा में तो आपको सीवी भी नहीं लगता जो बच्चे मुझसे बनाते हैं टीए टू जॉब लेने के लिए। तो सीवी बनवाना है तो मेरी कॉस्ट 5,000 चल रही है, सीवी कवर लेटर और 3 कंट्री में आपके भी अप्लाई किया जाएगा, और प्लस आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट मात्र 900 रुपये है। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आना पड़ेगा। तो सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि यूजबिलिटी वीज़ा आने जा रहा है 2023 जुलाई में। थर्ड बैड न्यूज़ ये है कि यूके ने अनाउंस किया है कि वो आगे जाकर सिर्फ स्टडी वीज़ा उन्हीं को देंगे जिनके कोर्सेज अच्छे होंगे, जिनके कोर्स की डिमांड यूके में होगी, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कोई एनएचएस के रिगार्डिंग चाहे हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, पर जो लोग कोर्सेज होंगे उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे वो हरियाणा से आ रहे हैं चाहे वो वर्ल्ड के किसी पार्ट से आ रहे हैं। पर अभी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि वो स्टूडेंट वीज़ा लो ग्रेड कोर्स कौन से होते हैं, तो आपने भी डरना मना नहीं, पर मेरे ख्याल में अगर लो ग्रेड कोर्सेज हैं तो उसको उनको वेबसाइट पर नहीं डालना चाहिए उनकी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग है। पर आगे जाकर आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि लो ग्रेड कोर्सेज कौन से हैं और किस कोर्स पर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है, पर एक राइट कोर्स चूज़ करना है और वो चूज़ करना है एज पर यूके डिमांड एंड प्लस एज पर योर इंटरेस्ट। अगर कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई कोर्स आपने टफ चूज़ कर लिया, मॉड्यूल में फेल हो गए, तो आगे जाकर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये है कि यूके शुरू करने जा रहा है अनलिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क फॉर स्टूडेंट, जो कि वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर दिया और यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर जॉब्स है नियरली 4 मिलियन शॉर्टेज है, वो चाहते हैं जो स्टूडेंट अभी 20 आवर्स काम करते हैं उनकी खुली होती है उनको 30 घंटे कर दीजिए या अनलिमिटेड आवर कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो जो बच्चे यूके में आकर ओवरस्टे करते हैं उनको जरूरत नहीं, बिकॉज वो दबा कर काम कर पाएंगे फर्स्ट डे से, और जो बच्चे बेचारे अब्यूज़ होते हैं कैश इन हैंड जो जॉब नहीं करनी चाहिए
इलीगल हमें करनी नहीं चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, उनको भी करने जरूरत नहीं पड़े बिकॉज अब यूके कर देगा इन फ्यूचर में जो 20 से 30 अगर यूके ये करता है तो थम्स अप जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक को एंड आई लव हिम सो मच बिकॉज वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन के बाद मेरे फेवरेट बन जाएंगे, तो आई होप इट विल इंप्लीमेंट वेरी सून, पर इससे यूके की इकोनॉमी सुधर जाएगी और बच्चों आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। और नंबर 5th न्यूज़ है जो बहुत ही बैड न्यूज़ है वो है डिपेंडेंट वीज़ा। बहुत डिस्कशन चल रही है कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने जा रहा है, कुछ कह रहे बंद हो जाए, कुछ कहता नहीं ये ह्यूमन राइट्स है, मेरे हस्बैंड को यूके आना चाहिए। जी नहीं, ये यूके के ऊपर है कि वो डिपेंडेंट वीज़ा देते कि देते, ये आपकी गलत फहमी है। अगर यूके ने चाहा तो वो नहीं देगा, अगर यूके ने चाहा तो डिपेंडेंट वीज़ा देगा। डिपेंडेंट वीज़ा वो वीज़ा था बच्चों, अगर कोई लड़की पढ़ी बीए का कोर्स करके यूके आती है तो जो लड़का 8,000 इंडिया में कमाता है शॉप पर, वो फर्स्ट डे यहाँ पर ओपन वर्क में ले जाता है, इवन कि उसकी वाइफ स्टडी करती है वो फुल टाइम काम करता है। अगर उसकी वाइफ एक साल कोर्स लेकर आती है तो 2 साल का मिलता है वर्क परमिट, वो लड़का 3 साल दबाकर इतना पैसा कमाता है, वो 2-3 करोड़ छाप लेता है और यहाँ आगे जाकर वो वाइफ को कोई कोर्स जॉब दिलाता है नर्सिंग में या केयर होम में, तो उन दोनों को पीआर मिल जाती है। पर अब यूके ने कहा कि डिपेंडेंट वीज़ा बहुत लोग आ चुके हैं, अब हम इसको कम कर रहे हैं, हम उसी को देंगे डिपेंडेंट वीज़ा जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर होंगे या पीएचडी करने आ रहे हैं। पर ये एक न्यूज़ है, पर मेरे ख्याल से न्यूज़ बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगी, अगर ये फाइनल हो भी गई तो जनवरी 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जो भी देसी बंदा मेरा वीडियो देख रहा है इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जल्द से यूके भागे, सितंबर 2023 में अपना वीज़ा लगाकर यहाँ पर लाखों में खेले। तो गाइस कई वीडियो को दिल को छू रहा है, अगर आप भी चाहते हो यूथ मिलिट्री वीज़ा जैसे वीज़ा और भी है और एक गुड आप एक गुड कर्मा करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट कर सकता है। अगली गुड 6 न्यूज़ ये है कि पॉलिटी वर्कर वीज़ा शुरू हो चुका है, जो लास्ट ईयर शुरू हो गया अक्टूबर से लेकर, अगर आपको मुर्गी खाने का काम आता है, सीजन वर्कर तो 40,000 कोटे है ही है, अगर किसान वो तो वीज़ा यहाँ पर था ही था 2-3 साल से, तो आपको मिल जाता है किसान वीज़ा जो कि 6 मंथ का मिलता था और आगे यहाँ से आप पुर्तगाल भाग जाते थे या कैनेडा। पर अब इन्होंने शुरू किया पोल्ट्री वर्कर वीज़ा, जो लड़के अनपढ़ हैं अंगूठा छाप जिनको इंग्लिश टेस्ट नहीं आता है, अगर आपको पोल्ट्री का काम करने आता है तो आप अक्टूबर मिडल से लेकर दिसंबर तक 2.5 महीने दबाकर यहाँ पर काम कर लाखों में खेल सकते हैं। तो पोल्ट्री वर्कर वीज़ा भी शुरू हो गया जो कि 2022 में शुरू हो गया है। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है, जो गुड न्यूज़ है कि जो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब बच्चों को सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, अगर आप स्ट्रगल करें बिल पे करने में या कुछ भी पे करने में, गाइज आपको फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा अगर आप यूके में स्ट्रगल करें अपने बिल पे करने एज इंटर्न स्टूडेंट, पर इसके लिए आपको स्टूडेंट यूनियन के पास जाना पड़ेगा। और एक और जाते गुड न्यूज़ ये भी है कि जो सैलरी थ्रेश होल्ड है, जो गरीब माँ के बेटे जो जहाँ यूके इंडिया से आते सीधे वर्क वीज़ा, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है, अब आपको स्पॉन्सर लेटर मिल सकता है सीओएस, पर उसके लिए अब आपको ज़्यादा पैसा पे किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर यूके महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर आपने कुछ भी वीडियो में कुछ सीखा है, अगर बात करनी चाहते हो, मन में कोई भी डाउट है और इवन कि आप सीवी कार्ड बनवाना चाहते हो, मेरे पास 19 साल का एक्सपीरियंस और मुझे पता कीवर्ड्स कौन से डालने से ब्रिटिश एम्प्लॉयर या यूके या वर्ल्ड के कोई भी एम्प्लॉयर आपको कैसे इंटरव्यू बुला सकते हो, मेरे पास आइए अपना सीवी बनवाइए और इवन की फ्री बात करनी तब भी आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आई विश यू वेरी वेरी गुड, आप जहां रहे सदा खुश रहें।